आगे जाने दो। स्थान है राम, यह भयंकर वन राक्षसों का स्थान है, जहां ताड़का नामक एक प्रसिद्ध राक्षसी अपने पुत्र मारी सहित रहती है, जिसके कारण ऋषि समाज बड़ा कष्ट सहती है। इसका क्या वर्तांत है प्रभु? हे राम, सुकेतु यक्ष बोलो, सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था, जिसने ब्रह्मा जी का तप कर एक संतान का वर प्राप्त किया, जिससे उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम ताड़का रख दिया गया। कन्या के योग्य हो जाने पर उसने उसका विवाह जम्बासुर से कर दिया, जिसके प्रभाव से उसके घर मारिच नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर कालाकार में उसके सुकेतु यक्ष के किसी दुराचार पर क्रोधित होकर मुनि ने उसे भस्म कर दिया, जिससे यह दुष्ट ताड़का अपने पुत्र मारी सहित मुनि को मारने दौड़ी, जिस पर मुनि ने इसे श्राप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तभी से यह इस जंगल में निवास करती है। हे गुरुवर, ऋषियों को सताने का ऐसा ही फल होता है। अच्छा, अब सावधान हो जाओ, देखो वह हत्यारी पत्थर बरसाती इसी ओर चली आ रही है, पहले उसे गाने लगाओ। परंतु मुनिवर, स्त्री को मारना तो अधर्म कहलाता है। नहीं बेटा, जो स्त्री मुनि और ऋषियों पर दुखदाई है, उसे मारने में दोष नहीं बल्कि बड़ाई है। तो ठीक है मुनिवर, चिंता की कोई बात नहीं, उसे आने दीजिए और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। हेलो, खा जाऊंगी।
काशी चौक रे। ओ बनवासी चौकरे, ओ बनवासी चौकरे, नहीं नहीं सभी नीचे बैठ के देखे आराम से, लीला बहुत शानदार हो रही है, आराम से बैठे, आराम से बैठे। तड़का हूं मैं, कच्चा खा जाऊंगी। बस वही ठहर जा मुर्दार, यदि आगे पग बढ़ाया तो समझ ले तेरा काल आया। तारक वन में रहती हो, तड़का मेरा नाम है और तुझ जैसे बाल को खाना मेरा काम है। तड़का तड़का करके तूने मुनियों को बहुत सताया है, इसलिए तुम्हें मारने राम यहाँ आया है। अरे मूर्खो, तुम तो मेरा आहार हो, बनाऊंगी और अपनी प्रचंड सुधा को मिटाऊंगी। कर चुका है बहुत बातें, राण भी तकरार भी और युद्ध करना जानता है बालक, तो था हथियार भी तो ठीक है। काल कहता है जिसे बोल लेना। काल क्या कहता है? काल खड़ा तेरे सामने, अब देख तेरे मृत्यु बन। अरे बालको, तुम तो मेरा आहार हो, अपने आप को देखो और मेरे विशाल शरीर को देखो। कहा मैं और कहा तू, क्या हम दोनों में कुछ समाई है? देखो एक जरा सी चीटी और पर्वत की चढ़ाई है। अरे दोस्त, कुछ बढ़ाई हो नहीं सकती, बड़े आकार से हार जाते हैं बड़े बड़े, छोटे से हथियार से। ओ बालको, क्या तुमने मुझे साधारण स्त्री माना है? मैं कौन? तार का नाम है मेरा, तुम जैसे बच्चों को अपना निवाला बनाना काम है मेरा। अरे दोस्त, रनिवासों के पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख, तक उसकी उससे लड़ते हैं। काल का है क्या पापी, नरक का ईंधन है तू, मौत का खाजा है और चील का भोजन है तू। अरे दोस्त, शंकर भी आकर मदद करे, तो शंकर जी की साक्षी है, अब रण में तुझे संगारूंगा, तू ऋषियों की विरोधी है। आजा युद्ध कर, देखते हैं आज कौन के
तुमको मारता है। तुम मुझे मारते हो या मैं तुम्हें खाती हूं। एक बार जोर मचा लिया। अगर लीला आपको पसंद आ रही है तो दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। अगर लीला अच्छी हो रही है तो दोनों हाथ उठाकर के तालियां बजाएंगे। एक बार जोरदार तालियां। हे राम, युद्ध में अच्छा पराक्रम दिखाया, एक ही बाण में उसको यमदूर पहुंचाया। अब चलो हम तुम्हें अपने आश्रम में ले चलते हैं, वहां तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध करेंगे। हे मुनिराज, ये तो आपके आशीर्वाद का प्रताप है। चलिए मुनिराज, देखिए।